धुंध से होने वाले सड़क हादसों में गिरावट लाने के लिए एंटी करप्शन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें वाहनों के पीछे चमकने वाले रिफ्लेक्टर लगाए गए। गुना के डीएसपी जितेंद्र सिंह, एसएचओ चीका धर्मपाल रेडा सहित चीका थाना के पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। डीएसपी गोला जतेंद्र ने वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के काम को एक अच्छी पहल बताया, वही धुंध के कारण होने वाले सड़क हादसों को रोकने में भी सहायक होंगे, ऐसा विश्वास जताया। ये एंटी करप्शन के जो है सक्रिय सदस्य हैं, लगाते रहते हैं, पिछले साल भी इन्हें लगाए थे। अच्छी पहल है, ये धुंध का मौसम है, बढ़िया होगा, दुर्घटनाओं से जो है इसमें कमी आएगी। चमक है, काफी चमक है, जो लगा रहे हैं 2-3 घंटे और लगाएंगे हमारे साथ। चेयरमैन नीलम सिंगला ने बताया कि धुंध से बचने के लिए वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, ताकि घने कोहरे में वाहन आपस में न टकराए। ये रिफ्लेक्टर धुंध से बचने के लिए वाहनों को बैक साइड लगाई जाती हैं, ताकि लाइट पड़ने पे पता चले कि आगे भी कोई वाहन जा रहा है। 15,000 के करीब रिफ्लेक्टर लगाए जा चुके हैं और 50,000 के करीब लगाने का हमारा लक्ष्य रखा गया है, और हर साल तकरीबन 50,000 वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए जाएंगे। एसएचओ चीका धर्मपाल रेडा ने बताया कि धुंध में होने वाले सड़क हादसों को रोका जा सकता है और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। करप्शन द्वारा लगाया गया है, धुंध में एक्सीडेंट वगैरह न हो जाए, इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। बहुत अच्छी सोच है हमारी, एंटी करप्शन बार बार हमारे से मिलकर साथ लग के बिल्कुल अच्छे काम कर रहे हैं चीका वाले। सुरक्षा में ही बचाव है, उन्होंने बताया कि हर गली मोहल्ले में जाकर ऐसे वाहनों पर स्टिकर लगाए जाएंगे जिनसे कि ज्यादा हादसे की आशंका हो। गुला चीका से पवन जिंदल की रिपोर्ट, इंडिया आप तक के लिए।